त्रिपुरा की राजनीतिक गतिशीलता में हाल के वर्षों के एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है जो सीपीआईएम के प्रवक्ता से भाजपा के नेतृत्व वाले शासन में परिवर्तित हो गए। भाजपा के उदय ने राज्य के राजनीतिक परिदृश्यों को नया आकार दिया है, लेकिन सामाजिक आर्थिक मुद्दों को संबोधित कराने और स्थिरता बनाए रखने के चुनौती बनाते हुए आप हमारे साथ त्रिपुरा से हमारे कोरेस्पोंडेंट एम के बानिक जुड़ेंगे। बानिक, yes. आपको सुनाई दे रहा है आवाज? हाँ। क्या आप हमें बता सकते हैं कि राज्य के राजनीतिक गतिशीलता के बारे में जानकारी दे सकते हैं क्या आप हमें? देखिए, त्रिपुरा में अभी जो सिचुएशन है, बीजेपी भाजपा की सरकार बनी हुई है, दूसरी सरकार बनी है 2023 में। लगातार दूसरी बार भाजपा ने जीत हासिल की है एक अच्छे मार्जिन से और कंफर्टेबल मेजोरिटी है सरकार की। लेकिन जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है अभी के कुछ ही दिन पहले लोकसभा इलेक्शन से कुछ ही देर पहले मार्च के महीने के 2 तारीख को बीजेपी के साथ जुड़ी है तीपरा मोथा की पार्टी जो पहले अपोजिशन हुआ करती थी, प्रिंसिपल अपोजिशन थी 13 MLA के साथ। तो उससे जुड़ने से क्या हुआ है कि तीपरा मोथा बीजेपी और आईपीएफटी का गठबंधन और भी स्ट्रांग हुआ है और उसका प्रेजेंस आप देख सकते हैं कि हाल ही में जो रैलीज हमने जो कवर की है वहां पे देखा गया है कि बहुत भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा होती है बीजेपी की और तीपरा मोथा की जॉइंट कैंपेन्स में, और दोनों ही पार्टी के जो सीनियर लीडर्स है वो लोग कैंपेनिंग में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हमारे त्रिपुरा में है, वेस्ट त्रिपुरा और ईस्ट त्रिपुरा में, और जनसंजोग जो अभियान है बीजेपी और तीपरा मोथा एक ही साथ कर रही है। दोनों पार्टीज ने असेंबली और बूथ लेवल में अपना कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए जॉइंट पैनल्स बनाए हैं। तो इस तरीके से रूलिंग पार्टी काम कर रही है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सीपीआईएम और कांग्रेस का जो एक सीट अंडरस्टैंडिंग हुआ था 2023 के विधानसभा इलेक्शन में पहली बार, उसमें और भी छोटे छोटे 5-6 पार्टी जुड़ी है और एक महागठबंधन बोल सकते हैं उसको, जो इंडिया ब्लॉक के बैनर में लड़ रहा है। लेकिन प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंसी तो ही है, एक है सीपीआईएम और कांग्रेस जो पहले राइवल हुआ करती थी, तो और अब वो दोनों एक ही मंच पे हैं। और वेस्ट त्रिपुरा से लड़ रहे हैं हमारे त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट आशीष कुमार शाह, जो कुछ समय के लिए बीजेपी में भी रहे हैं और एमएलए रहे हैं बीजेपी के। और ईस्ट त्रिपुरा से लड़ रहे हैं सीपीएम के ही एक्स एमएलए राजेंद्र यांग। तो जैसे कि पिछले इलेक्शन में जो चेंज आया है इस इलेक्शन में देखा जा रहा है कि 2023 के विधानसभा निर्वाचन में एक मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट था, क्योंकि तीपरा मोथा लड़ रही थी 40 से 42 सीटों पर और बीजेपी और सीपीएम कांग्रेस का बीजेपी लड़ रही थी 60 सीटों पर उसका आईपीएफटी के साथ, और सीपीएम और कांग्रेस जो है वो लड़ रहा था पूरे 60 सीटों पर। तो अब ट्राई कॉर्नर एक कॉन्टेस्ट हुआ था तीपरा मोथा बीजेपी आईपीएफटी और सीपीएम कांग्रेस के अलायंस ने, लेकिन अब है स्ट्रेट फाइट है कि अभी फाइट दो पोल्स के अगेंस्ट में है। एक तरफ बाइपोलर फाइट बोल सकते हैं आप उसको, एक तरफ सीपीएम कांग्रेस का अलायंस है, दूसरी तरफ तीपरा मोथा बीजेपी और आईपीएफटी का अलायंस है। बानी, लोकसभा चुनाव को लेकर त्रिपुरा के स्थिति के बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं अभी? देखिए, लोकसभा इलेक्शंस में अभी जो सिचुएशन है उसकी तरफ से तो लगता है कि बीजेपी का पल्ला भारी है, लेकिन अब सीपीएम और कांग्रेस का को भी हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सीपीएम का एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ तो है और पार्टी ने अपना वोट शेयर खोया है लास्ट इलेक्शन में, लेकिन उनका अभी भी एक प्रेजेंस है ग्राउंड लेवल पे।
क्योंकि 25 साल लगातार उन्होंने शासन किया है और उन्होंने एक बेनिफिशियरी बेस अपना बनाया है उस रूलिंग पीरियड में, तो उसका एक बेनिफिट तो सीपीएम को मतलब एक कंसिडरेबल वोट बैंक उनका है, लेकिन वो उसका मात्रा भी घटा है क्योंकि बीजेपी ने पिछले 5-6 सालों में जो काम किया है, बहुत सारे जगहों पे रोड्स बनाए हैं लोगों को, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 3.5 लाख लोगों को घर मिला है, तो वो लोग बेनिफिशियरीज बना रहे हैं और ग्राउंड लेवल में बीजेपी अपने बेनिफिशियरीज के साथ बहुत कनेक्ट कर रहा है, और उसमें ऐसा है कि जो बेनिफिशियरीज है उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन है सच नहीं हुआ है, बहुत जगह पे सीपीएम के पार्टी वर्कर को भी घर मिला है, या फिर आप हर घर जल या टैप वाटर कनेक्टिविटी का जो प्रोजेक्ट है वो देख ले, वो अगर देखेंगे तो पार्टी एफिलिएशन को लेकर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है जो इसके ऊपर बेनिफिट ट्रांसफर के ऊपर, उस वजह से बीजेपी के तरफ जो जो लोगों का जो एक क्या बोलते हैं एक बीजेपी की तरफ झुकाव लोगों का ज्यादा है, लेकिन सीपीएम और कांग्रेस, और कांग्रेस भी एक अच्छी मतलब कांग्रेस का प्रेजेंस उतना नहीं है, सिर्फ 3 ही एमएलए है उनके, 13 सीट में उन्होंने कॉन्टेस्ट किया था लास्ट असेंबली इलेक्शन में और 3 ही सीट वो जीत पाई और एक तो बहुत ही नैरो मार्जिन से जीती है, तो अब अभी तक तो लगता है कि भाजपा अलायंस का जो भाजपा का जो अलायंस है अभी बीच त्रिपुरा में वही स्ट्रांग पोजीशन पे है, लेकिन सीपीएम और कांग्रेस को भी सीपीएम और कांग्रेस का जो अलायंस है वो भी एक तरफ एक चैलेंज तो कह सकते हैं कि बीजेपी को देने के लिए रेडी है। पानी के सत्ता संभालने के बाद से त्रिपुरा में भाजपा ने नेतृत्व वाली सरकार ने कौन सी प्रमुख पहल की है? अब देखिए, अगर आप बोलेंगे कि बीजेपी ने क्या किया है तो बीजेपी की सरकार ने यहाँ पे कंसीडर उतना जो काम किया है वो ये किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कीम्स है उनका बेनिफिट लोगों तक पहुँचाया है, वो इम्प्लीमेंटेशन में एक तेजी आई है जो एक बड़ी चीज है, क्योंकि सीपीएम के टाइम पे वो थोड़ा मतलब स्लो पेस में काम हो रहा था, लेकिन बीजेपी आने के बाद वो काम में बहुत स्पीड पकड़ी है। और दूसरी चीज जो है, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि विधानसभा इलेक्शंस के पहले बीजेपी की सरकार ने जो सोशल पेंशन है लोगों का, तीन लाख लोगों को मिलता है जो डायरेक्ट बेनिफिशियरीज है, उसको 1,000 से 2,000 रुपए कर दिया डायरेक्ट, मतलब एक बहुत बड़ा लीप आया है उसमें, तो वो भी लोगों को मिल रहा है। अदर्स अगर देखेंगे तो घर का जो बेनिफिशियरीज है वो लोग भी जुड़े हैं बीजेपी के साथ, तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो वही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स की जो काम है उसमें बहुत ज्यादा रफ्तार आया है। एक डेंटल कॉलेज बना है त्रिपुरा में पहली बार, अभी हमारे जो चीफ मिनिस्टर है त्रिपुरा के, उन्होंने पहल की है कि एक होम्योपैथी और आयुर्वेदा का भी वो लोग ये करेंगे, कॉलेजेस खोलेंगे, तो न्यू यूनिवर्सिटीज को बुलाया जा रहा है पीपीपी मॉडल पे, यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने के लिए बाहर से, जैसे कि अभी कल ही हमारे जो त्रिपुरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन है उनसे बात हो रहा था, तो उन्होंने बताया कि पहली बार त्रिपुरा में बाहर से इन्वेस्टमेंट इतना आया है कि TIDC का नेट रेवेन्यू जनरेशन 17 करोड़ तक चला गया, और सारे एक्सपेंसेस के बाद इंडस्ट्रियल बॉडी ने 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है। तो इस तरीके से बीजेपी पहली तो एक सोशल लेवल पे सोशल इनइक्वालिटी को एड्रेस करने के लिए बहुत सारा काम कर रहा है, और दूसरी तरफ जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को कैपिटलाइज कर रहा है त्रिपुरा में, इंसेंटिवाइज कर रहा है, जैसे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहा है साबरूम में,
उसके बाद जो कनेक्टिविटी के इशू में बहुत सारे एक्सप्रेस वेज सॉरी बहुत सारे एक्सप्रेस ट्रेन त्रिपुरा में इंट्रोड्यूस हुए हैं, राजधानी है, कांचनजंगा है, ये सारी चीजें आप बोल सकते हैं कि रेलवे का जो पूरा नेटवर्क है वो डेवलप हुआ है बीजेपी के आने सरकार आने के बाद। तो इन सब चीजों में चीजों से लोग प्रभावित हुए हैं और एक इम्पैक्ट है उसका ग्राउंड लेवल पे, जिसलिए बीजेपी के तरफ लोगों का ये जो सैलाब है उसका ये भी एक रीजन है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि पीपरा मोथा जो पार्टी थी उसका जो टोटल मूवमेंट था ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के मोटो को लेके, वो इलेक्शन आते आते टोन डाउन होके हो गया है कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन। अच्छा बानी, ये खबरों के अनुसार दोनों मौजूदा संसदों को क्यों बदला गया? जो ये एक बहुत बड़ी पहल है बीजेपी की तरफ से कि दोनों ही जो सिटिंग एमपीज है उनको चेंज कर दिया गया है। तो इस बारे में पार्टी में अभी चर्चा बहुत कम ही है, क्योंकि अभी देख सकते हैं कि ईस्ट त्रिपुरा का वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि ईस्ट त्रिपुरा में त्रिपुरा मथा के साथ एक एग्रीमेंट हुआ है, तो उस एग्रीमेंट के में शायद उस एग्रीमेंट के अनुसार उसके बाद ही त्रिपुरा मथा के जो फाउंडर है फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे चेयरमैन थे सॉरी प्रद्युत किशोर देवबर्मन, उनकी जो सिस्टर है वो लड़ रही है बीजेपी के सिंबल से, तो वो जॉइंट कैंडिडेट है बीजेपी और त्रिपुरा मथा के। तो वो समझ में आता है क्योंकि वो एक अंडरस्टैंडिंग हुआ है दो पार्टीज का, तो शायद उसके लिए कैंडिडेट बदला गया हो। लेकिन वेस्ट त्रिपुरा में सिटिंग एमपी थी हमारी प्रतिमा भौमिक जी, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस भी थी और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर है बीजेपी की, बहुत सालों से उन्होंने बीजेपी को सर्व किया है। और जब बीजेपी का वोट परसेंटेज 1 or 2% था तब से वो बीजेपी के साथ है और पावर तक जब पावर के आने के बाद भी वो थी। तो उन्होंने 2023 में अपना असेंबली इलेक्शंस भी लड़के जीता था आफ्टर 70 years, एक कोई एंटी लेफ्ट कैंडिडेट जीता था वो कठालिया मतलब धौनपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट में है, तो उन्होंने वो भी एक हिस्ट्री किया क्रिएट किया था। लेकिन उसके बाद उनको अपना रेजिग्नेशन देना पड़ा और शी कंटिन्यूड टू बी एन एमपी फ्रॉम वेस्ट त्रिपुरा और उनका जो यूनियन मिनिस्टर का पोर्टफोलियो था वो उन्होंने संभाला था। लेकिन अभी जो चेंज हुआ है उसका क्या इंडिकेशन है और उससे क्या उनका क्या फ्यूचर होगा बीजेपी में या फिर बीजेपी में या फिर उनको ऑर्गेनाइजेशन में रिहेबिलिटेट किया जाएगा वो अभी भी क्लियर नहीं है। उस चीज पे अभी भी बीजेपी ने अपना पोजीशन क्लियर नहीं किया है। हालांकि वो अभी इलेक्शन कैंपेन में बिजी है, प्रतिमा भौमिक जी भी कैंपेन कर रहे हैं विप्लव जी के लिए और अदर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो एमएलए कैंडिडेट है उनके लिए भी वो मैदान में उतरी है और काम कर रही है कि बीजेपी की विक्ट्री को इंश्योर करने के लिए। उन्होंने कुछ दिन पहले एक क्लोज डोर इंटरेक्शन भी किया था जो लोगों के साथ नोटेड पीपल ऑफ द सिटी, और उन्होंने कहा था कि देखिए जो भी हुआ है मोदी जी ने समझ के ही किया है और हम चाहते हैं कि बीजेपी आगे जाए और बीजेपी को जिताने के लिए मोदी जी को तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए हम काम करेंगे। लेकिन बीजेपी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो हम अगर देखें तो किसी भी लीडर को बीजेपी ने अगर उसको हटाया है तो प्रॉपरली रिहेबिलिटेट किया है। आप बिप्लब कुमार देव का इंस्टेंस ले सकते हैं कि उनको ऑल ऑफ अ सडन ही हैज टू स्टेप डाउन एज ए चीफ मिनिस्टर। उसके बाद उन्होंने वो राज्यसभा गए, राज्यसभा के बाद वो अभी लोकसभा इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो प्रतिमा भौमिक के लिए का नया जो पॉलिटिक्स में कैसे एंट्री होगा, वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में रहेंगी या फिर सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगी, उसको लेकर अभी भी कोई पोजीशन क्लियर नहीं हुआ है। शायद इलेक्शन के बाद कोई स्टेप लिया जाए इस बारे में। बानी, केंद्रीय मंत्री को भी टिकट नहीं दिया गया था, इसका कारण क्या था?
वही मैं बोल रहा था कि प्रतिमा भौमिक जी केंद्रीय मंत्री हैं तो उनको टिकट नहीं मिला, तो ये एक बहुत ही बड़ा शॉक ट्रीटमेंट है, क्योंकि बीजेपी आप जानते हैं कि बीजेपी सडनली कुछ कर देती है और उसके बाद कुछ होता, मतलब कुछ समझ में नहीं आता है कि बीजेपी क्या कर रही है। तो यहाँ पे लेकिन सब बीजेपी के पार्टी सर्कल में ये विश्वास है कि प्रतिमा जी को कुछ हायर पोजीशन में लिया जाएगा आफ्टर इलेक्शंस। बानिक, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, अभी के लिए इतना ही।